हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। फ्रेंड्स, रेलवे पुलिस परीक्षा आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का जो 18 जनवरी का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट का कंडक्ट हो चुका है। और हम यहां पर देखेंगे फ्रेंड कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में आज जो है वो पूछे गए थे। तो वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं। ग्रुप ए, बी और एफ वालों का फ्रेंड एग्ज़ाम चल रहा है 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्ज़ाम है उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। हमने कल भी आपको एक वीडियो दिया था फ्रेंड, उसका एनालिसिस का, उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इस वीडियो को हम एम करते हैं फ्रेंड 1000 लाइक का। इस वीडियो पर 1000 लाइक आपको यहाँ पर करने हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज यहाँ पर पूछे गए थे। लेकिन फ्रेंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ दबाइएगा आप इस बेल आइकन को, जिससे आप हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि केरल की राजधानी क्या है। तो देखिए केरल की राजधानी के बारे में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड आपका, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा केरल की राजधानी। और हम बात करें फ्रेंड कल के एग्ज़ाम के बारे में, तो कल भी आपका जो है वो तमिलनाडु की राजधानी शायद आपका पूछा गया था। ठीक है, तो आप सभी राज्यों की राजधानी के बारे में पढ़ कर जाइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डेली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ टॉपिक भी बताता चलूँगा फ्रेंड, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं। फिर था फ्रेंड आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, दो क्वेश्चन थे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से था कि जो कोई धन है उसका जो है कितने वर्षों में वो डबल हो जाएगा 8% के रेट से। ठीक है, इस प्रकार से था, तो आप इसे निकाल सकते हैं 8% के रेट से, कुछ परसेंटेज दिया हुआ था रेट का, और कितने वर्षों में धन जो है वो अपने का डबल हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज से। फिर आपका देखिए एक क्वेश्चन था आपका, जीवों का वर्गीकरण का सिद्धांत अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं उसका अध्ययन को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं इसको? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी। फ्रेंड यहाँ पर मेंसुरेशन थे, तीन क्वेश्चन थे, बेलन शंकु के पर आधारित थे तीन क्वेश्चन, बेलन शंकु और व्रत पर। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन हमें पता नहीं है कौन कौन से प्रश्न थे, यदि आपको क्वेश्चन ज्ञात हों तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है वहाँ पर हम डेली पीडीएफ अपलोड करते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड किए जाते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग पे हमारे जो है कथन और निष्कर्ष से दो क्वेश्चन थे, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो होता है आपका, उससे आपका दो क्वेश्चन बनने थे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन इतना बताया था लोगों ने कि हाँ सर इतने क्वेश्चन यहाँ पर जो है यहाँ से आए थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। देखिए फिर एक ये क्वेश्चन था आपका परसेंटेज से, पांच क्वेश्चन थे। देखिए परसेंटेज से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस से मिलाकर जो है टोटल पांच क्वेश्चन थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी जो है वो परसेंटेज के कुछ पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन तो इसी प्रकार से था कि 25 चॉकलेटें हैं, उसने से 15 खा ली, बताओ उसके पास कितने प्रतिशत चॉकलेटें बची। तो देखिए टोटल चॉकलेटें कितनी थी? 25 थी। ठीक है, 15 खा ली तो 10 बची ना, 10 बची तो इसको निकाल दीजिए, 10 25 का कितना परसेंट होता है? 25 चौक 100, 10 चौक 40%। तो ये तो इजी था आपका क्वेश्चन जो है, मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया। तो जितना उन लोगों को याद रहा उन्होंने हमें क्वेश्चन जो यहाँ पर बता दिया है, क्वेश्चन एकदम सेटिंग है फ्रेंड, आप इन पर भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए रिलेशन एंड सेटिंग अरेंजमेंट से थे क्वेश्चन फ्रेंड, रीजनिंग के सेशन की बात करें तो रिलेशन से दो क्वेश्चन थे और सेटिंग अरेंजमेंट से भी जो है दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट के सिंपल क्वेश्चन थे, जो ज़्यादा टफ आपका रीजनिंग था नहीं। देखिए पूछा गया था फ्रेंड जीएस में आपका, भारत के गृह मंत्री कौन है, हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए होम मिनिस्टर की हम बात करें तो होम मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है, जो सभी को पता होगा होम मिनिस्टर से कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, देखिए करंट अफेयर से तीन चार क्वेश्चन थे फ्रेंड यहाँ पर, वो क्वेश्चन हमें जो है यार पता नहीं है, शायद एक तो वैश्विक सम्मेलन था कोई सा, लेकिन वो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन था फ्रेंड आपका अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। देखिए अर्जेंटीना की राजधानी पूछा गया था, और कल शायद पूछा गया था इथोपिया की राजधानी। ठीक है, कल पूछा गया था इथोपिया की राजधानी, आज पूछा गया है अर्जेंटीना की राजधानी। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो बोर्ड टफ से टफ बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब जो अब तक जो है पूछे जा चुके हैं, जापान वगैरह की राजधानी नहीं पूछता अब जो है सिंपल से देशों की, जिनकी आपको पता होती है उनकी तो अब पूछने के चांसेस बहुत कम है,
क्वेश्चन जो है वो टफ बनाने शुरू कर दिए हैं बोर्ड ने। तो देखिए अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगा आपका व्यूनस आयर्स, ठीक है, व्यूनस आयर्स हो गया, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, व्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। देखिए ग्राफ से बहुत प्रश्न थे, ग्राफ से पूछ बताया था एक बच्चे ने कि सर ग्राफ से जो है बहुत सारे प्रश्न थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है वो ग्राफ से रिलेटेड थे मैथमेटिक्स में। और देखिए एक वेन डायग्राम पूछा गया था आपसे, वेन डायग्राम पूछा गया था कि वेन डायग्राम में जो है एक इस प्रकार से दे रखा था आपको जो है, और चार दे रखा था कि भोजन पर इतना खर्च होता है और इस पर इतना, शिक्षा पर इतना खर्च होता है, तो बताइए कि इतना इस पर कितना खर्च होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूछा गया था वेन डायग्राम से। क्वेश्चन था फ्रेंड आपका जो है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कि राज्यसभा का कार्यकाल आपको होता है 6 साल होता है, ठीक है, राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है 6 साल होता है। अब बात करें फ्रेंड रेलगाड़ी से दो प्रश्न थे। प्रश्न इस प्रकार के थे आपके मैथ के बारे में कि एक रेलगाड़ी है जो एक सिग्नल को जो है वो 20 सेकेंड में पार करती है, जबकि एक प्लेटफॉर्म को जो है वो 500 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की डिस्टेंस वो लंबाई क्या है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन यदि थे ये वाले, हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, वरना आपको यहाँ पर हम सॉल्व भी करा देते, ठीक है। आपको यदि क्वेश्चन पता हो फ्रेंड तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड आपका, सबसे पहला महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो देखिए प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रतिभा पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति भारत की, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। चलिए देखते हैं, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है, तो देखिए लखनऊ जो है पूछा गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी है, किस नदी के तट पर बसा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, गोमती नदी के तट पर बसा है लखनऊ, गोमती नदी है ना लखनऊ में, तो यहाँ पर गोमती आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मेजर ध्यानचंद के किस खेल से संबंधित हैं, देखिए खेल से संबंधित एक कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, कल अवार्ड से था, आज भी नाम लेकर पूछ लिया है, तो मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है ना, तो वो किस खेल में दिया जाता है आपका, हॉकी में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, तो इसलिए जो है हॉकी में जो है इनको हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है, हॉकी के में ही दिया जाता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला सुबह कल पूछा गया था फ्रेंड आपका, CaCl2 जो है CaCl2 का रासायनिक नाम पूछा गया था, और आज पूछा है हाइपोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, हाइपोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका HCl, ठीक है, HCl आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोक्लोरिक एसिड। किस ग्रह को समुद्र का देवता कहा जाता है, देखिए समुद्र का देवता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका चंद्रमा को, ठीक है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है तो इसीलिए जो है इसको देवता कहा जाता है समुद्र का चंद्रमा को, ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन था एक रीजनिंग में, जिस प्रकार बेटर का संबंध रेस्टोरेंट से है उसी प्रकार किसान का संबंध किससे है, तो देखिए बेटर का संबंध जो है वो रेस्टोरेंट से है, तो बेटर कहाँ काम करता है, रेस्टोरेंट में, और किसान कहाँ काम करता है, खेत में काम करता है ना, तो खेत आपको जो है इसमें जरूर दिया हुआ होगा, ठीक है, खेत इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन आपका, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी हैं, देखिए अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं के बारे में पूछा गया था, तो गर्म जलधाराएं हैं आपका गल्फ स्ट्रीम, वहां पर ऑप्शन आपके दिए हुए थे, लेकिन हमें एक बंदे ने एग्जैक्ट बताया कि सर हाँ यही हमारा क्वेश्चन जो है राइट होगा, उसे बिल्कुल कन्फर्म था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं गल्फ स्ट्रीम, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं, बाकी सारी जो थी वो आपका दूसरे ऑप्शन थे जो, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है, जो उसे कन्फर्म था वो उसने बिल्कुल बता दिया है। देखिए भूकंप की तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं, किससे रिकॉर्ड की जाती हैं भूकंप की तरंगे, ये की जाती हैं आपका सिस्मोग्राफ पर, ठीक है, सिस्मोग्राफ पर भूकंप तरंगे जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड टफ भी थे, ठीक है, जिनके आपने पहली बार यहाँ पर देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस इजी थे कुछ क्वेश्चन टफ थे आपके, तो थोड़ा सा हाई लेवल की तैयारी आप रखिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता फ्रेंड आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का आने की संभावना। क्वेश्चन था फ्रेंड आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, अच्छा 28 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड, जो भारतीय वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, जिनके नाम पर जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है, होमी जहांगीर भाभा पर जो है, भाभा का जन्मदिन के अवसर पर जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, विज्ञान दिवस, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन देख, एक ही क्वेश्चन था फ्रेंड आपका जो है, पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो ये पोलो गेम खेलते हुए
आपका किस शासक की मृत्यु हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं फ्रेंड, कल पूछा गया था कि कुतुब मीनार में जो है वो सबसे ऊपरी मंजिल जो है उसका निर्माण किसने कराया था? तो सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण कराया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है, कुछ बनवाया भी था, लेकिन इनकी मौत होने के बाद में जो उसका निर्माण कराया था कुतुब मीनार का, वो कराया था आपका इल्तुतमिश ने, ठीक है, उसके बाद कराया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने एक मंजिल का निर्माण। तो कुल मिलाकर तीन शासकों का इसमें योगदान रहा इसका निर्माण कराने में। तो फ्रेंड मैं आपको लिए, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्ज़ाम है उनके लिए हमने एक PDF तैयार किया है, मैं आपको उसका थोड़ा रिव्यू यहाँ पर दिखा। तो फ्रेंड जिन लोगों का भी जो है आने वाले समय में एग्ज़ाम है उनके लिए मैंने कुल यहाँ पर PDF तैयार किया है, तो उसमें सारे क्वेश्चंस वो ऐड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब फ्रेंड 2018 की जितनी बार परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने जो है इसमें क्रम वाइज ऐड किया है। तो देखिए सारी परीक्षाओं के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो भी लोग चाहते हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए विषय सूची आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेंड, आपको इसमें पहले तो यहाँ बात कर रहे हैं, एक तो 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपका 40 से प्लस टॉपिक इसमें आपका ऐड किए जाए हैं, ठीक है, 40 से प्लस टॉपिक ऐड किए गए हैं, 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके। तो आप क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड किस प्रकार के होंगे आपके, उत्तर प्रदेश एक संपूर्ण परिचय होगा, फिर भारतीय संस्कृति और राजकीय नृत्य होंगे, प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक भी होंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, ठीक है, वर्तमान में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं जैसे कि ये आपका लोकसभा के स्पीकर कौन है, उपसभापति कौन है, इस प्रकार से जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब इसमें ऐड किए गए हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल भी हैं, फिर आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से भी कई सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड हमारे पास, और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों उनकी परिभाषाएं, उनका गठन और उनके CEO वगैरह के नाम जो है, उनके अध्यक्ष वगैरह के नाम सारे इसमें हमने ऐड किए हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर, तो कई सारे पेज हैं इसमें, 162 पेज हैं आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आप यदि इसे खरीद लेते तो मैं नहीं समझता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका जो है जाने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जो भी लोग चाहते हैं वो लोग इसे खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं आपको एक कोड बता देता हूँ, DS 2019 यदि आप इसमें ऐड करेंगे प्रोमो कोड में तो आपको उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड, लाइक और शेयर तो जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।